hello students i shalini welcome you all to girls mentor e-learning platform a single platform for all the competitive exams am i audible a very good evening gurpreet komal amandeep gurjeet yes हाँ जी बच्चे सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली शेयर दिस सेशन सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दिस क्लास इन टूडेज क्लास वी विल डू आर रिमेनिंग टॉपिक दैट इज कैंड्री मेमोरी राइट यस एम आई ऑडिबल इज माई वॉइस क्लियर ओके सो लेटेस्ट बिगिन विद टुडे सेशन दैट इज़ सेकेंडरी मेमरी एज वी हैव स्टार्टिड मेमरीज पार्ट एंड वी वर ओवर विद दी प्राइमरी एंड द कैशी मेमरी राइट येस दी फर्स्ट वन इज सेकेंड्री मेमरी वट इज़ सेकेंड्री मेमरी सेकेंड्री मेमरी या फिर ऑगजिलरी मेमरी क्या है हमारी इज़ दी एक्सटर्नल मेमोरी विच इज़ अटैच्ड टू योर कंप्यूटर सिस्टम टू स्पीड अप योर कंप्यूटर सिस्टम सेंडरी मेमोरी या फिर बच्चे ऑगजरी मेमोरी क्या होती है एक ऐसी डिवाइस इज़ एक ऐसी मेमोरी जो आपकी सीपीयू के साथ इनडायरेक्टली कम्यनिकेट करती है वाया मेन मेमोरी जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि आपका सी है और आपकी मेन मेमोरी है मेन मेमोरी हम पढ़ चुके हैं बच्चे रैम एंड रोम दैट वी हैव डन इन आर प्रीवियस लेक्चर एंड जो आपका सी है उसकी डायरेक्ट इंट्रैक्शन किसके साथ होती है आपकी मेन मेमोरी के साथ राइट right? तो अब हमने पढ़नी है सेकेंडरी मेमोरी अब सेकेंड्री मेमरी ऐसी मेमोरी होती है दैट डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद योर सी आपके पास सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे पड़ी हुई है अगर उसने सी के साथ इंट्रैक्ट करना है दैट इज़ डन विद दी हेल्प ऑफ योर मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कभी भी डायरेक्टली आपकी सीपीयू के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करती रिमेंबर दिस पॉइंट दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट कि विच मेमोरी डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ सी पी यू सो दैट इज़ योर सेकेंडरी मेमरी अब सेकेंडरी मेमरी में हम स्टोर क्या करते हैं वी स्टोर द डेटा एंड आवर प्रोग्राम्स या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका बहुत लार्ज साइज है इट इज़ यूज टू स्टोर एंड सेव लार्ज डेटा और प्रोग्राम्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो हमने बल्क में या फिर बहुत ज़्यादा हैवी जो हमारा डेटा है लार्ज डेटा है उसको स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वी विल यूज़ सेकेंडरी मेमोरी, राइट एंड इट्स स्टोर्स योर डेटा एंड कीप्स इट इवन व्हेन द पावर फेल्स अगर आपकी लाइट चली भी जाती है तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा तो हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं इस टर्म को हम क्या डिफाइन करते हैं मैंने पहले बताया आपको रैम रोम के केस में वी डिफाइन टू टर्म्स वन इज वोलाटाइल एंड अदर वन इज नॉन वोला मेमोरी राइट तो अगर आपकी पावर फेलियर हो जाती है तो आपका जो डेटा होगा वो लॉस्ट नहीं होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अब कौन कौन सी हैं ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगी मैग्नेटिक डिस्क टेप ऑप्टिकल डिस्क यूएसबी एंड दी मास्ट स्टोरेज डिवाइसेस ये सब क्या हैं आपकी सारी की सारी सेकेंडरी मेमरी की एग्जाम्पल्स हैं अब हमने एक एक करके बच्चे इनको पढ़ना है कि क्या चीज़ है और इनमें कैसा डेटा स्टोर होता है हाँ जी दी वेरी फर्स्ट इज मैगनेटिक डिस्क सबसे पहले तो बच्चे इसके नाम से हम दो चीज़ जज कर सकते हैं डिस्क डिस्क से टैंड फॉर कोई भी ऐसी राउंड शेप का ऑब्जेक्ट ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्क बोलते हैं सेकंड जो टर्म है दैट इज़ योर मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या हो गया बच्चे कि उसका जो मटेरियल होगा वो क्या होगा किसी ना किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो बनी हुई होगी तो so, इसके नाम से दो चीज़ें हमें पता चली एक तो राउंड शेप की कोई भी फिगर या कोई ऑब्जेक्ट और दूसरा उसका जो मटीरियल होगा दैट विल बी ऑफ मैग्नेटिक टाइप अब देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क है क्या मैग्नेटिक डिस्क आर मेड ऑफ रिजिट मेटल्स मेटल की बनी हुई डिस्क या फिर प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसके साइड पे द डिस्क प्लेटर इज कोटेड ऑन बोथ द सर्फेसिस विद द मैग्नेटिक मटीरियल जो बच्चे इसकी डिस्क जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो ये डिस्क है इट इज कोटेड विद द मैग्नेटिक मटीरियल एक मैग्नेटिक मटीरियल से इसको कोट किया गया है ऊपर इसके ऊपर लेयर चढ़ाई गई है उसकी एंड दोनों तरफ दोनों सर्फेसेस ऊपर भी और नीचे भी एंड दी बोथ द सर्फेसिज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज जहाँ पे मैग्नेटिक मटीरियल होगा वहाँ पे आपके डेटा की स्टोरेज होगी अब ये जो डिस्क है इसमें आपका जो डायरेक्ट असेस होता है ये यह इसका यहाँ पे आप एक पॉइंटर देख रहे हैं मतलब ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द डिस्क हेड तो जैसे जैसे आपकी मैग्नेटिक डिस्क मूव करेगी इस हेड के अगेंस्ट आपका डेटा रीड और राइट होगा दिस हैड इज रिस्पॉन्सिबल टू रीड एंड राइट डेटा इन योर मैग्नेटिक डेस्क तो इसमें डायरेक्ट असेस का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली किसी भी डेटा को असेस कर सकते हो एंड इट इज़ यूज फॉर बहुत स्मॉल एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स दो तरह के डेस्क हैं हमारे पास एक होती है फ्लॉपी डेस्क एंड सेकेंड वन इज हार्ड डिस्क अब फ्लॉपी डेस्क एंड हार्ड डेस्क ये दो टर्म्स बच्चे हमने सुनी होंगी ये दोनों ही कैटेगरीज किस में फॉल करती हैं आपकी मैग्नेटिक डिस्क में क्योंकि ये दोनों ही जो हैं एक तो डिस्क है राउंड शेप की कोई फिगर है या फिर दूसरी ये है कि इसका जो मटेरियल होगा दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक टाइप हाँ जी अगर पहले फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मटेरियल है ये सारा प्लास्टिक का है ये मैग्नेटिक मटेरियल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है दिस वन दिस वन दिस इज़ द मैग्नेटिक मटीरियल Floppy डिस्क बच्चे पहले यूज़ होती थी तो अब के टाइम में हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हाँ जी हाँ जी बच्चे जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है हमें डेटा बल्क में स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो चेंज होती जा रही हैं डे बाय डे चेंज अकॉर्डिंग मेरा चेंज का मतलब ये है कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग वी विल स्विच टू दैट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस राइट सबसे पहले अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें ये क्या है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है जैसे मैंने बताया ठीक है इसमें हम क्या करते हैं थिन फ्लैक्सीबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि स्क्वेयर प्लास्टिक कैरियर में डाली हुई है ये देखिए ये डिस्क है और ये किस में एम्बेडेड है एक प्लास्टिक के केस के अंदर डाली हुई है इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम फ्लॉपी डेस्क अ कम्प्यूटर मस्ट हैव अ फ्लॉपी डेस्क ड्राइव आपने इसको इंसर्ट कहाँ पर करना है जिन स्टूडेंट्स ने पुराने सिस्टम देखे होंगे वहाँ पर फ्लॉपी डेस्क ड्राइव भी होती थी आजकल के सिस्टम्स में बहुत कम ये आपको मिलेगा ठीक है उसमें क्या था फ्लॉपी डेस्क ड्राइव में क्या होता है एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में एक एरिया होता है जहाँ पे आप इस डिस्क को इंसर्ट करते हो और इसके ऊपर एक हेड होता है वहाँ जाके आपका ये जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन जो है फ्लॉपी पे वो पॉसिबल है ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे इसको फ्लॉपी भी बोलते हैं अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें जो आजकल के टाइम में मोस्टली यूज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दैट इज़ योर हार्ड डिस्क अ हार्ड डिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेसिस इसमें ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक डिस्क होती है हार्ड डिस्क में उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क एक के ऊपर एक डिस्क एम्बेडेड होती है और सारी की सारी डिस्क के सरफेस ऊपर भी और नीचे भी क्या होते हैं मैग्नेटिक होते हैं और इस, इसी वजह से हार्ड डिस्क में आप बल्क में डेटा को स्टोर कर पाते हो बिकॉज इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ डिस्क ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू तो फ्लॉपी फ्लॉपी में एक डिस्क होगी लेकिन इसमें ज़्यादा डिस्क पॉसिबल हैं ईच डिस्क हैज़ डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन अ कंसेंट्रिक सर्कल और ट्रैक जो डेटा बच्चे आपका स्टोर होता है डेस्क पे इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स होता है ट्रैक्स मतलब सर्कल्स की फॉर्म में स्टोर होता है दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज़ अ ट्रैक ट्रैक इज़ अ सर्कल और यू कैन से इट इज़ अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑन विच योर डेटा हैज़ बिन स्टोरड ऑन योर हार्ड डेस्क और योर फ्लॉपी डेस्क दोनों में जो डेटा स्टोरेज हम करते हैं इस डिस्क के ऊपर वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स मतलब सर्कल्स में डेटा आपका स्टोर होता है हेड जो आपका हेड होगा राइट्स और रीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैक अब ये सारे ऐसे ऐसे करके ट्रैक बने हुए हैं तो आपका जो हेड है वो जैसे जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क घूमती रहेगी वैसे वैसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन रीड एंड राइट होती रहेगी टू हैड्स वन ऑन द ईच साइड ऑफ अ डेस्क रीड और राइट द डेटा एज द डेस्क स्पिन कई फ्लॉपी डिस्क में दो हेड होते हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जैसे जैसे आपकी डिस्क स्पिन करती है मूव रिवॉल्व करती है घूमती है वैसे वैसे डेटा रीड एंड राइट होती है ठीक है ईच रीड एंड राइट ऑपरेशन रिक्वायर्स दैट डेटा टू बी लोकेटेड एन ऑपरेशन कॉल्ड अ सीक दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीख का मतलब क्या है एस डब्ल्यू के सीख मीन्स कि जब आप रीड या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो फ्लॉपी डिस्क पे या फिर हार्ड डिस्क पे तो डेटा को ट्रेस आउट करना कि डेटा कहाँ पर है अब आपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड मतलब कुछ फ्लॉपी में से डेटा रीड आउट करना है डेटा लेना है हमने वहाँ से ठीक है जी तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि डेटा मेरा वहाँ पे पड़ा है तो इस प्रोसेस को इस ऑपरेशन को जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है उसकी सर्चिंग को हम क्या बोलते हैं सीक ऑपरेशन बोलते हैं हाँ जी नेक्स्ट बच्चे जो कैटेगरी आती है दैट इज मैग्नेटिक टेप पहले हमने डिस्क पढ़ी है अब हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ गई टेप टेप जो पहले ज़माने में आपने देखी होंगी टेप रिकॉर्डर होता था तो उसमें आपके टेप्स डलती थी तो कुछ स्क्वेयर शेप में कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते थे तो वहीं से इसका नाम डिज़ाइन हुआ हुआ है मैग्नेटिक टेप इसमें क्या है स्क्यर फॉर्म में एक आपके पास डिवाइस होगा और सिमिलरली मैग्नेटिक मतलब उसका जो मटीरियल होगा ऊपर वो मैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक टेप इज़ अ सीरियल असेस स्टोरेज मीडियम अब सीरियल का मतलब क्या है यहाँ पे डेटा जो है सपोज के लिए मेरी मेमोरी लोकेशन वन टू हंड्रेड है ठीक है तो सीरियल असेस का मतलब क्या है कि मैं वन लोकेशन से शुरू करूँगी हंड्रेड तक जा सकती हूँ अगर मुझे डायरेक्ट फिफ्टी सर्च करना है दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट इन योर मैग्नेटिक टेप तो इट हैज़ द सीरियल असेस डेटा स्टोरेज मीडियम एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट लो कॉस्ट जो आपकी मैग्नेटिक टेप है जो वो आपकी माइलार प्लास्टिक के मटेरियल से बनी होती है इसकी जो वर्थ है वन एंड हाफ इंच दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि मटेरियल क्या होता है इसका ठीक है मैग्नेटिक मटेरियल होगा द रील ऑफ द टेप इज़ लोडेड ऑन अ मैग्नेटिक टेप यूनिट ड्राइव ड्यूरिंग एनी रीड एंड राइट ऑपरेशन द टेप इज़ मूव फ्रॉम वन स्पूल टू अनदर इन द सेम वे एज इन ऑडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर अब आपने देखा होगा जो आपके पहले जैसे मैंने पहले भी बताया टेप रिकॉर्डर था उसमें आप कैसेट्स डालते थे तो एक ही डायरेक्शन में वो घूमती थी राइट इन द सिमिलर वे जो आपकी मैग्नेटिक टेप होती है वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है ऐसा नहीं है कि पहले एक डायरेक्शन में घूम रही है फिर एंटी क्लॉक घूमने लग जाएगी नो no. इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं मैग्नेट के जिसमें आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है ठीक है हाँ जी सी एम ऑफ पंजाब ने मैसेज किया रिलना वाला डेक हाँ जी बच्चे नेक्स्ट अब पहले टाइम पे हम मैगने मोस्टली जो यूज होता था दोस्वर मैगनेटिक टेप्स एंड मैगनेटिको डिस्क जिसमें आपका फ्लॉपी डिस्क ही यूज़ होता था हार्ड डिस्क तो अब आपकी इन्वेंट हुई है दूसरी जो बच्चे कैटेगरीज होती हैं दैट आर ऑप्टिकल ड्राइव्स अब ऑप्टिकल का यहाँ पे मतलब क्या है कि जिसमें आप कोई भी काम करते हो चाहे रीड एंड चाहे राइट दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेज़र ठीक है उसमें तो मैगनेटिक मटीरियल था उसके उसकी वजह से आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन पॉसिबल था यहाँ पर जो आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन पॉसिबल है दैट इज डन विद हेल्प ऑफ लेजर्स ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा अप टू सिक्स जी बी ठीक है रिलायबल हैं कहीं भी आप इनको लेके जा सकते हो तो कुछ ऑप्टिकल डिस्क जो आपने सुनी होगी सी डी डी वी डी ये टर्म्स आपने सुनी हैं। हाँ जी कोमल कोमल ने क्वेश्चन बच्चे राइज किया है कि जैसे फेसबुक और गूगल का डेटा है उसका डेटा बेस में डेटा स्टोर हो गया ठीक है उनका फिज़िकल जो साइज़ है दैट इज़ वेरी लार्ज तो उनकी भी हार्ड डिस्क नो बच्चे मैं आपको बता दूँ अब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं ये हार्ड डिस्क हो गई ठीक है ये फ्लोपी होगी सी डी हो गई दीज आर यूज फॉर दीज आर यूज फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर्स ठीक है जो आपके घर में सिस्टम्स हैं आप थोड़ा बहुत आप काम करना चाहते हो स्टोर करना चाहते हो हम हम लोग हैं ठीक है हम अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क डलवाते हैं क्यों डलवाते हैं क्योंकि हमने इतनी ही स्टोरेज करनी होती है जो बच्चे ये डी जो ये गूगल हो गया या कोई भी जैसे अमेजोन हो गया इनके जो बच्चे डेटा बेस्ड हैं आज किसी फिज़िकली कहीं स्टोर नहीं होते दे आर स्टोर्ड इन योर क्लाउड जो आजकल नया कंसेप्ट है क्लाउड जो आपने सुना होगा ये वर्ड क्लाउड दिस इज बेसिकली योर स्टोरेज आपका डेटा कहीं जाकर मतलब आपको ही नहीं पता वो डेटा स्टोर्ड है कहाँ पे इनके पास कोई इतना बड़ा हार्ड डिस्क नहीं है कि वो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करके देखेंगे ठीक है हाँ जी गुड इवनिंग राजू दविंदर कुमार पूछ रहे हैं आर दिस परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरीज बच्चे यस गौरव राइट क्लाउड कंप्यूटिंग राइट दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस क्लाउड कंप्यूटिंग जो आजकल मोस्टली जिनके पास हैवी डेटा है वो इसका यूज़ करते हैं हाँ जी देविंदर दीज आर योर टेम्परेरी मेमरीज इसको हम परमानेंट नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि परमानेंट मेमरीज़ जो हमारी होती हैं वो कौन सी होती हैं किसको कैटेगराइज करते हैं हम रैम और रोम को ठीक है दीज आर दी टेम्परेरी वंस हाँ जी स्विचिंग स्विचिंग टू आर टॉपिक सीडी और डीवीडी ये दो टर्म्स हैं उसके बाद उनकी कैटेगरीज है सीडी रोम होता है सीडी रिकॉर्डेबल होता है सीडी डी री होता है ऐसे डीवीडी रोम होता है डीवीडी वी राइटेबल होता है डीवीडी रिकॉर्डेबल होता है ठीक है जी हाँ जी अगर हम सबसे पहले सीडी की बात करें आज के टाइम में बहुत कम बहुत कम हम यूज़ करते हैं इस डिवाइस को इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी अगर पीछे आर ओ एम लिखा हुआ है ठीक है जी तो सी डी की फुल फॉम कम्पैक्ट डिस्क और पीछे रोम की रीड ओनली मेमरी सी डी रोम क्या है कैसी सी डी बचे दैट कैन बी रीड बाई अ कम्प्यूटर विद एन ऑप्टिकल ड्राइव सी डी को डालने के लिए हमें ड्राइव की ज़रूरत है आपके सिस्टम में ड्राइव होना चाहिए तब तो आपकी सी डी इंसर्ट होगी और रोम पार्ट क्या बताता है कि आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो उसके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपने सी डी रोम क्रिएट किया है ठीक है अगर अगर हम बच्चे रिकॉर्डेबल और री राइटेबल सी डी की बात करें तो उस केस में आप सी डी के कंटेंट्स को जो है वो डिलीट करके री राइट कर सकते हो उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो ठीक है जी लेकिन अगर सी डी की बात हो रही है तो उसके कंटेंट्स बच्चे सिर्फ रीड होंगे आपसे उसके कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो तो नीचे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसके ऊपर भी मैग्नेटिक मटीरियल होता है बच्चे ठीक है सॉरी नॉट द मैग्नेटिक वन द ऑप्टिकल वन मतलब लेज़र्स के थ्रू आपके इसमें सारा डेटा जो है वो इंसर्ट होगा ठीक है ये सी डी आप ड्राइव में डालोगे इट रिवॉल्व्स ठीक है जैसे आप आप Uh, कभी uh, जिन्होंने यूज़ किया होगा हाँ जी जिन्होंने ये सीडी वग़ैरह यूज़ किया अपने टाइम में तो आप डालते हो तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती थी तो आवाज़ किसकी आती थी जब सीडी स्पिन होती है मतलब ये रिवॉल्व करती है अंदर इसके डेटा को हम रीड करते हैं या राइट करते हैं देन इट रिवॉल्व्स ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट बच्चे अगर हम डी की बात करें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी अगर पीछे रोम लगा हुआ है अदरवाइज़ रीराइटेबल होगी तो रोम अगर कोई ऐसी डीवीडी है जो रोम पीछे है तो इसका मतलब दैट इज़ रीड ओनली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर बल्क ऑफ योर डेटा और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो मतलब हैवी है जैसे आजकल आपके गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं ठीक है तो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो बल्क में हमने स्टोर करवाना है डेटा को तो उसके लिए हम डी यूज़ करते थे इट इज़ सिमिलर टू कम्पैक्ट डिस्क सी डी और डी का, का काम सेम है बट डीवीडी डी की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू योर सी डी दैट इज़ वेरी गुड जो डी वी डी रोम है अराउंड फोर जी बी ऑफ़ डेटा आपका स्टोर करता है और जो सी डी रोम है इट स्टोर अप टू सिक्स फिफ्टी एम बी ऑफ योर डेटा ये अभी हमने देखना है ये जी बी एम बी है क्या? क्या कैसे हम डेटा को मेजर करते हैं ठीक है जी तो मतलब इट हैज़ ए गुड कैपेसिटी एज कम्पेयर टू योर सीडी नेक्स्ट है बच्चे यूएसबी बी वेरी यूजफुल डिवाइस ऑफ टू डेज लाइफ यूएस बी फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है ये क्या है एक ऐसी फ्लैश ड्राइव दोज आर रिमूवेबल रीराइटेबल एंड फिजिकली मत स्मॉलर ड्राइव्स ठीक है जिनका वेट थर्टी ग्राम से भी कम होता है अब इसमें क्या है आज कल तो बहुत हाई कैपेसिटी की आपके पास यू एस पीज़ हैं अराउंड टू फिफ्टी सिक्स जी बी तक आपकी यू एस पीज़ आ चुकी हैं अब हमने जो आपके सी डी थे डी वी टी थे उसको रिप्लेस कर दिया यू एस पी से यू एस पी से रिप्लेस क्यों किया बच्चे इसकी मेन एडवांटेज क्या है कि इसको दी दीज आर जस्ट प्लग एंड प्ले आपको कोई एक्सटर्नल से कोई डिवाइस नहीं चाहिए जैसे उसमें तो हमें मतलब वो चाहिए होता है ना आपके ड्राइव्स चाहिए होती हैं सीडी डालने के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं चाहिए आपके यूएसबी पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे ये प्लग एंड प्ले आपका डिवाइस है ठीक है तो मोस्टली सिस्टम में अगर हम आजकल के सिस्टम की बात करते हैं तो मोस्टली सिस्टम्स आर यू हैविंग यूएसबी पोर्ट्स तो यू एस बी कनेक्टर जो है तो अगर आपकी जो पावर चली भी जाती है तो इसमें जो कंटेंट है वो क्या रहता है आपका सेव रहता है यस इट इज़ इजिली पोर्टेबल यस दविंदर दिस डिवाइस इज़ हाईली पोर्टेबल कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हो छोटी सी डिवाइस है पॉकेट में डालो और ले जाओ आपका बल्क में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि इसका पोर्ट आपको हर सिस्टम में मिलेगा अगर आप सीडी में डाल के ले जाओगे कहीं पे तो सीडी में हो सकता है कि किसी जहाँ पे आपने डेटा को लेके जाना है रिसीवर के पास आपका ड्राइव नहीं है प्रेजेंट तब आप दिक्कत आ सकती है लेकिन यूएसबी जो हैं दैट आर हाईली कंपेटेबल। यस। नेक्स्ट बच्चे मास स्टोरेज डिवाइसेस मास का मतलब क्या है बहुत ही ज़्यादा बल्क में आपने किसी डेटा को स्टोर करना है तो उस केस में कुछ ऐसी जैसे ट्रिलियंस ऑफ डेटा आपके पास है या बहुत सारे लार्ज डेटा बेस हैं आपके पास जैसे अगर हम हाँ जी पहले अमेजोन की बात कर रहे थे तो उस केस में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं लेकिन दोज आर यूजिंग क्लाउड नाउ अगर रिटेल है या कोई लाइब्रेरी ट्रांजेक्शनज हैं मतलब कोई भी ऐसा बल्क में डेटा तो उसके लिए हमारे पास अलग से स्टोरेज डिवाइसेस हैं राइट right? तो क्या है डिस्क एरे ऑटोमेटेड टेप सी डी रोम जियब बॉक्स तो ये सिर्फ आपने थोड़ा सा नाम इसको याद डिस्क एरे में नंबर ऑफ डिस्क आपके बच्चे कनेक्टेड होंगे ये आप फिगर देख सकते हैं राइट right? हाँ जी कोमल अपना डाउट बच्चे क्लियरली लिखिए क्या क्वेश्चन है आपका कैरे में वी हैव हाँ नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड टुगेदर ठीक है जी हाँ जी शिव शंभू पीछे देखो मैम पीछे क्या है जी आप अपना ध्यान यहाँ पे देखिए मैम क्या करवा रहे हैं वो पढ़ने में आप अपना ध्यान लगाइए ठीक है बच्चे तो ये कुछ ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो मोस्टली कंपनीज़ में यूज होती हैं हम अपने रूटीन के लिए इसको यूज नहीं करते दिस इज डिस्क कैरे जहां पे आपके नंबर ऑफ डिस्क जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं बल्क में आपका डेटा स्टोर होता है राइट कोमल येस एम आई ऑडिबल ना या एम आई ऑडेबल नेक्स्ट आर दी करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ सेकेंड्री मेमरी हाँ जी कुछ थोड़े बहुत करैक्ट्रिस्टिक्स देखते हैं राइट दीज आर मैग्नेटिकल एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस ओके okay, ओके okay बच्चे ओके आई एम राइट हाँ जी इसमें जैसे बच्चे हमने स्टडी किया कुछ मैग्नेटिक डिवाइसेस हमने स्टडी किए हैं कुछ ऑप्टिकल ये आपने बच्चे थोड़ा डिफ्रेंशिएट इनको करके रखना है मैग्नेटिक की क्या क्या कैटेगरीज आएंगी मैग्नेटिक में डिस्क आएंगी ऑप्टिकल ऑप्टिकल में क्या क्या आएगा ठीक है कई बार क्वेश्चन इसमें से भी जनरेट हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल मेमोरी ठीक है नेक्स्ट इज दिस इज नोन एज बैकअप मेमोरी इनको हम बैकअप के लिए यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए हाँ जी इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी कि आपके जो कंटेंट्स होंगे वो लॉस्ट नहीं होंगे डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इफ द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर कल जैसे हमने परसों पढ़ा था बच्चे कि विदाउट योर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट रन बट विदाउट योर सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर कैन रन दीज आर मच स्लोअर देन योर प्राइमरी मेमरीज व्हाई बिकॉज़ योर cpu has no हैज़ नो डायरेक्ट असेस विद योर it has इट हैज़ अ डायरेक्ट असेस विद योर प्राइमरी मेमरी तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड हमने कल देखा था कि इसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कैशे मेमरी हाँ जी सी दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कुछ हरार की की मैंने यहाँ पर लिखी है कैसे कैसे हम डेटा को स्टोर करवाते हैं एक बच्चे एक पॉइंट होता है रजिस्टर्स रजिस्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड। दिज आर ऑल्सो योर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस इन योर कंप्यूटर हाँ जी ठीक है तो इसमें क्या है कि आपके जो कोई भी मतलब रजिस्टर्स जो हैं वो बल्क में डेटा नहीं स्टोर कर पाते वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन स्टोर बट दे हैज़ अ गुड स्पीड तो सी के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास जो हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे सी पी यू का अपने कंप्यूटर का देन वी विल रीड विच टाइप ऑफ रजिस्टर्स वी हैव वी हैव नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन आर कंप्यूटर तो वो छोटे छोटे काम करते हैं जैसे सपोज मैंने ए और बी को ऐड करना है कोई वैल्यू है ए की टेन बी की वैल्यू फ़ाइव है तो फिफ्टीन मेरा आंसर आ गया दैट इज़ स्टोर्ड इन योर रजिस्टर तो ये छोटे छोटे काम आपके छोटे छोटे कैलकुलेशन रजिस्टर्स परफॉर्म कर देते हैं ठीक है उसके लिए हमें मेमोरी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ से नीचे से देखिए ये मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड माउस ये सारे ठीक है ये सारी मेरी हैं स्टोरेज डिवाइसेस फ्रॉम स्लो एंड इनएक्सपेंसिव टू ये सब क्या हैं हाईली कॉस्ट की हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी क्या है अच्छी है तो इस डायग्राम से थोड़ा आपको बच्चे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डिवाइसेस हैं जो स्लो हैं और इनएक्सपेंसिव मतलब जिनकी कॉस्ट कम है और कैसी ऐसी मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनकी कॉस्ट भी हाई है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है सो रोम रिमूवेबल ड्राइव्स योर हार्ड डिस्क ये तीनों क्या है परमानेंट स्टोरेज हैं इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा रैम योर वर्चुअल मेमोरी फिजिकल रैम रैम कैशे और सीपीयू रजिस्टर्स ये क्या हैं आपके टेम्परेरी स्टोरेज हैं और इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपेयर टू योर रोम एंड हार्ड ड्राइव्स जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं ठीक है जी ये हर के बारे में लिखा हुआ है हमने इसको नहीं पढ़ना हाँ जी वेरी इम्पॉर्टेंट इसमें से बच्चे एक या दो क्वेश्चन आपके पक्का आपको किसी भी पेपर में मिलेंगे या फिर आपने पुराने पेपर चेक किए होंगे उसमें भी मेमोरी यूनिट के आपको क्वेश्चंस मिले होंगे मेमोरी यूनिट होता क्या है अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट इतना डेटा हम किसी डिवाइस में स्टोर कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स बिट है बाइट है, है वो आगे हम देखते हैं ठीक है मोस्टली जो डेटा स्टोरेज है उसको हम एक्सप्रेस किस टर्म्स में करते हैं बाइट्स में हाँ जी गुरप्रीत ठीक है बच्चे कहीं पे आपको आ, कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे वहीं पे दोबारा से पूछ लीजिए ठीक है थीके? तो मेमोरी यूनिट क्या है कितना डेटा आप किसी भी डिवाइस में स्टोर कर पा रहे हैं मोस्टली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ बाइट्स अब सबसे पहले एक छोटी सी वैल्यू बिट बिट क्या है जीरो या फिर वन किसी भी डेटा को जीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब हम जीरो एंड वन इज कॉल्ड बिट ठीक है जी जीरो वन इसको क्या बोलते हैं बिट बोलते हैं गुरप्रीत बच्चे आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए ठीक है कहीं पे कोई वर्ड समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना मेरी इस वीडियो पे ठीक है नेक्स्ट होता है बच्चे निबल अभी आप इस पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूं अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना है ठीक है स्टूडेंट्स निबल अब हमने बिट देख लिया कि जीरो एंड वन को हम बिट बोलते हैं निबल क्या होता है बच्चे कि चार बिट्स मतलब चाहे ये लिखा हुआ है 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 कुछ भी जीरो एंड वन की का कॉम्बिनेशन लेकिन कितने ग्रुप में होना चाहिए ग्रुप ऑफ फोर बिट्स चार बिट्स को मिलाकर क्या बनता है एक निबल बनता है ये मेरे सारे निबल्स हैं। देखो काउंट करो कितने हैं। वन टू थ्री फोर या जीरो है वैल्यू या कोई वैल्यू वन है दैट इज कॉल्ड अ निबल ठीक है जी आगे चलें। बाइट अब बाइट क्या है आठ बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनती है दिस इज़ द्मास्ट यूनिट विच वी रिप्रजेंट अ डेटा किसी भी डेटा को सपोज मैंने अपने कंप्यूटर पर लिखा हाई आई एम शालिनी तो वो ऐसा कंप्यूटर नहीं समझेगा जो भी मैंने लिखा है हाई कॉमा डाला है या आई एम शालिनी के बाद फुल स्टॉक डाला है जो कुछ भी मैं बच्चे लिख रही हूँ दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू अ बाइट फॉर्म ठीक है बिट मतलब जीरो एंड वन में कन्वर्ट होगा लेकिन कितने का ग्रुप बनेगा एट एट बिट्स का ग्रुप बनेगा और उस एट बिट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बाइट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है, है तो ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं बाइट की एग्जाम्पल्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एट बिट्स आठ बिट्स को मैंने मिला दिया और एक बाइट बना दिया जो नेक्स्ट है वर्ड, ये बहुत जरूरी है जी अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट कभी बॉयज को तो ये पता होगा बच्चे कभी आपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी या प्रॉपर्टीज चेक किया होगा तो उसमें आपका लिखा होता है कि जैसे थर्टी टू बिट कॉन्फिग्रेशन आपके कंप्यूटर की या सिक्सटी फोर बिट है या सिक्सटीन बिट है ठीक है इट मीन्स कि आपके जो डेटा प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पा रहा है वो कितने बिट्स का इकट्ठा आपका एक वर्ड बना रहा है वर्ड का मतलब क्या है जैसे हमारी बाइट होती है ना आठ बिट की उसी तरह वर्ड क्या होता है कई नंबर ऑफ बिट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं एक वर्ड बनाते हैं तो उस उस लेंथ को क्या बोलते हैं जो वर्ड की लेंथ होती वो computer computer है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिपेंड करता है ठीक है हो सकता है मेरा कंप्यूटर थर्टी टू बिट का बना रहा हो वर्ड आपका कंप्यूटर सिक्सटी फोर बिट का बना रहा हो कोई नाइन्टी सिक्स बिट्स का बना सकता है कोई एट बिट्स का भी बना सकता है तो दैट इज़ अ वर्ड तो उसका हम जो उसकी लेंथ है आठ बिट है थर्टी टू है सिक्सटी फोर है तो दैट लेंथ इज कॉल्ड वर्ड लेंथ या फिर वर्ड साइज ये टर्म आपने ध्यान में रखनी हो बट इज वर्ड साइज और वर्ड लेंथ लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज या फिर वर्ड लेंथ सबसे छोटी वर्ड लेंथ कितनी है आठ बिट की सबसे बड़ी कितनी है नाइंटी सिक्स बिट्स की ठीक है अ कंप्यूटर स्टोर्स दी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स जो भी आपका कंप्यूटर है उसको जीरो एंड वन की फॉर्म में तो कन्वर्ट करेगा जैसे मैंने आपको बता दिया ठीक है लेकिन वो कितने कितने का वर्ड बना रहा है आपका कंप्यूटर थर्टी टू बिट्स है तो थर्टी टू बिट्स को मिलाकर एक वर्ड बन गया उसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जैसे मैंने हाई लिखा तो हाई जो कन्वर्ट होगा वो थर्टी टू बिट्स बनेंगी उसकी तो उसको हम बोलेंगे एक वर्ड बन गया अगर मेरा कंप्यूटर थर्टी टू बिट्स का है अगर सिक्सटी फोर क्या है तो सिक्सटी फोर बिट्स बनेगी उसकी तो ये होता है वर्ड ठीक है जी नेक्स्ट बच्चे ये टर्म्स आपने याद रखनी है अब बाइट हो गया आठ बिट को मिला के हमने बाइट बना दिया अब किलोबाइट से शुरू करते हैं वन जीरो टू फोर बाइट्स को मिलाकर एक किलोबाइट बनता है ठीक है वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स को मिलाकर एक किलो बाइट बनता है किलो बाइट के बाद आता है मेगा बाइट एम बी जिसको बोलते हैं हम कहते हैं ना कि एम बी है हमारी मेमोरी, ये इतने के बी इतने जी बी की मेरी हार्ड डिस्क है तो मतलब कितना डेटा वो स्टोर कर पा रही है वो हम बता रहे हैं मेगाबाइट होता है बच्चे वन एम बी इजिक्ल्स टू वन ज़ीरो टू फोर के बी अच्छा जी अब ये तो मैंने के बी की फॉर्म में डिफाइन कर दिया अगर मैं आपसे पूछूं वन एम बी इक्वल्स टू हाउ मनी बाइट्स तो कैसे बताओगे वन एम बी इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स तो आपको पता है वन एम बी इक्वल्स टू वन ज़ीरो टू फोर के बी और एक के भी कितने का है वन जीरो टू फोर बाइट्स का है मतलब वन ज़ीरो टू फोर वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स बन गई मेरी ऐसे आपने इसको कैलकुलेट करना है अगर आपको बच्चे ये याद है ना तो कुछ भी पेपर में पूछा जाएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्रैमिंग करें की ज़रूरत नहीं है इजीली यू कैन कैलकुलेट ठीक है अगर हम गीगाबाइट की बात करें जीबी की बाइट करें वन जी बी इजिकल्स टू वन ज़ीरो टू फोर एम बी ठीक है अगर इसको मैंने के बी में कन्वर्ट करना जी बी को वन जीबी इक्वल्स टू हाउ मैनी यस सी एम ऑफ पंजाब वन निबल इज इक्वल्स टू फोर बिट्स राइट एक निबल फोर बिट्स या फिर हाफ बाइट भी बोल सकते हो उसको आधा हो गया ना बाइट का आधा हो गया बाइट आठ बिट की होती है उसको आधा कर दो चार रह गई तो वन निबल इक्वल्स टू यू कैन से फोर और और हाफ अ बाइट हाँ जी अगर मैं बोलूँ वन जी बी बच्चे इजिकल्स टू तो हाउ मैनी बाइट्स तो बताओ जी बाइट्स में अब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है वन जी बीकल्स टू वन ज़ीरो टू फोर एम बी पीछे को चलो वन जीरो टू फोर एम बी इजिकल्स टू वन जीरो टू फोर के बी एंड वन के बीकल्स टू वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स इसका मतलब क्या हो गया एक जी बी किसके बराबर है वन ज़ीरो टू फोर इंटू वन ज़ीरो टू फोर इंटू वन जीरो टू फोर बाइट्स के बराबर है अगर इसमें आपने बाइट्स में कैलकुलेट करना है ठीक है जी ये हर हार की बच्चे आपने याद करनी है के बी एम बी जी बी टी बी पी बी ठीक है इससे ऊपर भी है उसकी ज़रूरत नहीं है आपको टेरा बाइट इक्वल्स टू वन जीरो टू फोर जी बी पेटाबाइट इज़ टू वन जीरो टू फोर टी बी तो इसको फिर आप आगे आगे बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ बिट होता है जीरो एंड वन निबल होता है चार बिट्स को मिलाकर एक निबल बन जाता है बाइट होता है आठ बिट्स को मिलाकर एक बाइट बन जाता है यह हम निबल ये भी कह सकते हैं आधा बाइट हो गया निबल, ठीक है हाफ हो गया ना उसका वर्ड क्या है आपके कंप्यूटर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है अगर आठ बिट का वर्ड बनाता है तो आठ बिट्स को मिलाकर वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा एक इन्फॉर्मेशन के लिए आठ बिट चाहिए दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए आठ बिट चाहिए थर्टी टू बिट्स है तो थर्टी टू बिट्स की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करेगा ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है वर्ड साइज़ क्या होता है लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड कितनी है आपके सिस्टम की जब आप विंडोज डालते हो उसमें विंडो में भी आपने देखा होगा थर्टी टू बिट लिखा होता है सिक्सटी फोर बिट विंडो होती है तो मतलब कितने वो वर्ड साइज़ क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद है मिनिमम एट बिट्स का वर्ड क्रिएट होता है या फिर नाइन्टी सिक्स का मैक्सिमम वन के बी इक्वल्स टू वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स एम बी वन ज़ीरो टू फोर के बी जी बी वन जीरो पिछले पिछला पिछला, पिछला पिछला बस याद रखना है वैल्यू सेम है वन ज़ीरो टू फोर जी बी वन जीरो टू फोर एम बी टी बी वन ज़ीरो टू फोर जी बी वन जीरो टू फोर टी बी हाँ जी दविंदर ओनली फोर टी बी इज़ अवेलेबल इन मार्केट ऑल राइट तो आपने इससे ज़्यादा स्पेस करनी क्या है क्या चाहिए गेम्स डाउनलोड करनी है इतनी तो यूज़ ही नहीं होती बच्चे वन टी बी चार टी बी आप लगा लो फोर टी बी इजल्स टू फोर इन टू वन जीरो टू फोर जी बी कितना हो गया कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर सकती है वो कितना डेटा आप स्टोर करवा सकते हो राइट तो अब सो दिस वाज होल फॉर टुडे तो हमारा जो मेमोरीज़ है वो ओवर हो चुका है कल आपका रिवीजन टेस्ट होगा टिल दिस टॉपिक सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड होंगे ठीक है जी क्लासिफिकेशन से शुरू हो जाएंगे क्लासिफिकेशन इनपुट आउटपुट और आपकी मेमोरीज भी बीच में होगी प्राइमरी भी सेकेंडरी में और इनका थोड़ा ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस मैं ज़रूर डालूंगी क्योंकि दिस दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट मेमोरी यूनिट्स ठीक है सो बी रेडी विद योर ऑल दी मटेरियल एंड जो अगर कोई डाउट हुआ ठीक है जी तो आप वो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट डाल देना हाँ जी थैंक यू सो मच बच्चे ठीक है जी कोई भी डाउट होगा कमेंट डाल के आप पूछ सकते हो एंड uh, आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए अगर कहीं किसी और की हेल्प हो सकती है तो बच्चे डेफिनेटली हमें हेल्प करनी चाहिए राइट सो थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे